नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। एक महिला के साथ अपने ससुरालजनों और उसके बाद फिर सिस्टम द्वारा सताए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला अब जिला अस्पताल में अपना इलाज करा रही है। एक महिला के साथ उसके ससुराल पक्ष और सिस्टम द्वारा दी गई प्रताड़ना का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला को पहले ससुराल में पति सहित अन्य लोगों के द्वारा पीटा गया। गंभीर हालत में घायल महिला को जब मायके पक्ष के लोग जिला अस्पताल लेकर आए तो ऑपरेशन के नाम पर डॉक्टर एस के गुप्ता ने उसे एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया। यहां लगभग 1 लाख से अधिक की राशि खर्च होने के बाद भी महिला ठीक नहीं हुई। परिवार के पास पैसे खत्म हो गए तो उसे एक बार फिर जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। दरअसल भगवा थाना के अंतर्गत भोजपुरा के निवासी राकेश अहिरवार ने बताया कि उसकी बहन देववती का विवाह रामकिशोर अहिरवार निवासी बहादुरपुरा थाना बमनौरा के साथ हुआ है। देववती के ससुराल वाले दहेज के लिए अक्सर उसे परेशान करते हैं। पिछले दिनों देववती अपने भाई की शादी में शामिल होने मायके आई थी। 13 मई को देववती जब वापस ससुराल लौटी तो पति रामकिशोर, ससुर धनु अहिरवार, सास सुतली अहिरवार और जेठ पप्पू अहिरवार ने दहेज की मांग को लेकर लोहे की रॉड और लाठी डंडों से पीट दिया। मारपीट में देववति के दोनों हाथों और पैरों में गंभीर चोटें आईं। मारपीट की सूचना मिलने के बाद भाई राकेश उसे घुवारा अस्पताल ले गया। 14 मई को घुवारा से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां 17 मई तक देववति का उपचार किया गया। राकेश के मुताबिक जिला अस्पताल के RMO डॉक्टर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने 17 मई को उससे कहा कि देववति का ऑपरेशन होना है, जिसके लिए उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराना होगा। उन्होंने श्रीवास्तव नर्सिंग होम में देववति को भर्ती कराने की सलाह दी। डॉक्टर गुप्ता की सलाह पर देववती को 17 मई को ही श्रीवास्तव नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। राकेश का कहना है कि यहां देववती के 3 ऑपरेशन किए गए, जो कि डॉक्टर एस के गुप्ता ने किए। 17 मई से 30 मई तक चले उपचार के बदले में देववती के परिजनों से 1 से 1.5 लाख रुपए लिए गए। इसके बाद जब परिजनों के पैसे खत्म हो गए तो सोमवार को देववती की छुट्टी कर दी गई। राकेश ने अपनी बहन को एक बार फिर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। उसका आरोप है कि डॉक्टर एस के गुप्ता और श्रीवास्तव नर्सिंग होम ने आवश्यकता से अधिक पैसे वसूल लिए हैं और ठीक से इलाज भी नहीं किया। इस मामले में RMO जिला अस्पताल डॉक्टर एस के गुप्ता का कहना है कि उक्त महिला से जुड़ा मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं फाइल देख कर ही इस बारे में कुछ कह सकूंगा। ये 14 तारीख को लेके आए थे हम, उसके बाद में 3 दिन यहाँ रहे। 3 दिन के बाद डॉक्टर साहब के यहाँ उनके अस्पताल गए थे और एस के गुप्ता के पास काय के लिए गए थे, उनके कौन से अस्पताल में इलाज हुआ, क्या हुआ? ये श्रीवास्तव नर्सिंग होम है ना, उसमें इलाज हुआ। उनने 3 ऑपरेशन किए हैं और इन्होंने एस के गुप्ता ने, उसके बाद उनने छुट्टी कह दी ऑपरेशन के बाद। अब वो चीखती चिल्लाती है, पैसा मेरे पास है नहीं, इलाज कहाँ से कहाँ। कम से कम 1 लाख 1.5 लाख रुपए लग गया। अब इलाज के लिए बोलते हैं अपना घर रखो, घर ले जाओ। अब घर ले जाएंगे तो दवाई गोली कहाँ से ले आएंगे, कौन उसकी जो सुरक्षा करेंगे, बताओ। वो उनके कमरे पे गए पूछने, बोले कि यहाँ नहीं, इसके ऑपरेशन होंगे, आप नर्सिंग होम ले जाना पड़ेगा। वहाँ एक आदमी उन्हें भेज दिया, गाड़ी भेज दी और ले गए वहाँ से। हाँ, उन्हीं ने कहा था नर्सिंग होम, एस के गुप्ता जी ने कि आप नर्सिंग होम जाओ, 50-60 हज़ार के आसपास आपका इलाज हो जाएगा, कुछ आसमान कार्ड से लग जाए। लेकिन वो फिर इलाज बढ़ाते गए, पैसा एक ऑपरेशन कहते थे, पैसा पहले जमा कहते थे। वो दवाई भी बोलते उसी में है, लेकिन हम लेके बाहर से आए, पूरी लिख देते थे, बाहर से ले आनी पड़ती थी। आज सरकारी अस्पताल में आए कि कम से कम इलाज चालू हो जाए, तो भर्ती नहीं कर रहे हैं। बोलते हैं कि ऑपरेशन हो गए, जाओ ले जाओ, अभी उसका इलाज क्या होना है।